हेलो एवरीवन, नमस्ते, हैप्पी दशहरा टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ बता दीजिए जल्दी से, मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुंच रही है? हैप्पी दशहरा, जय श्री कृष्णा, नमस्ते एंड हैप्पी दशहरा। नमस्ते नमस्ते। आवाज़ प्लीज़ कोई क्लियर कर दीजिए कि आवाज़ पहुंच रही है आप सभी तक। ओके, सो आज का टॉपिक जो भी है आपको जल्दी से पता चल जाएगा। यशोदा नंदन जी को मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो जल्दी से ज्वाइन करते हैं उनको। सो यशोदा नंदन जी, आप रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए। राधे राधे, कैसे हैं आप राधे राधे। जी? ऑडियंस आ चुकी है, हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। ओके। और मेरी ऑडियंस को पता ही है कि यशोदा नंदन जी कौन है, कहाँ पे रहते हैं। हम शुरू करते हैं, बस स्टार्ट करते हैं अपना। हाँ जी, बताइए। बिल्कुल। आप सभी को भैया दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल ही नवरात्रि भी विश्राम हुई है, जो विशेष नौ रात्रियां हैं किनकी, देवी माता की, जो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। और दूसरी जो विशेष नवरात्रि है, जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आती है। तो दो तो ये वो नवरात्रि हैं जिसमें हम नौ दुर्गाओं की उपासना करते हैं, और दो और ऐसी नवरात्रि हैं जो गुप्त नवरात्रि, जिसको हम सब लोग कहते हैं। तो एक तो भैया जो आषाढ़ या ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है, और एक अब जो माघ मास आएगा अभी, जैसे भैया ये अश्विन, अश्विन के बाद कार्तिक, मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष के बाद पौष, और पौष के बाद जो आएगा माघ मास, उसमें जो शुक्ल पक्ष की नवरात्रि है, जिसमें बसंत पंचमी की तिथि भी आती है, यानी सरस्वती माता का जन्मदिन भी हम सब लोग जो मनाते हैं, वो उसी में ही आता है। तो इस प्रकार से टोटल कहते हैं कि चार नवरात्रि हैं। दो जो हैं प्रत्यक्ष रूप से सबके सामने हैं, जिनमें नव दुर्गा की उपासना होती है, और दो ऐसी नवरात्रि हैं जो गुप्त नवरात्रि हैं, जिसमें नव दुर्गा की नहीं, जिसमें क्या होता है कि जिसके अंदर 10 महाविद्या की उपासना करी जाती है। और उन 10 महाविद्याओं की भी अलग अलग उपासना है कि आप किस अपनी कामना से उनको कर रहे हैं। सबके अलग मंत्र हैं, उपासना की अलग विधि है। तो वह सब जो देखने का है, तो वह 10 महाविद्या के बारे में जब कोई पढ़ता है, जानता है, तो वह उस चीज की उपासना भी कर सकता है। तो ये दो प्रकार के नवरात्रि हैं। तो कल ही नवरात्रि का विश्राम हुआ है और आज दशहरा है। पुराणों में, शास्त्रों में ऐसे भी वचन आते हैं कि जब भगवान राम ने यह निश्चय कर लिया कि मैंने अब रावण का वध करना है, तो भगवान राम ने भी 9 दिन तक देवी की उपासना करी है, क्योंकि देवी का अर्थ सीधा सीधा है शक्ति। बिना जितने भी देवी जितने भी देवता हैं, चाहे वो शिव हो, विष्णु हो, ब्रह्मा हो, या कोई भी हो, वो बिना शक्ति के परिपूर्ण नहीं है। अगर शिव में से जो ई निकल जाए, जो इकार का मतलब वहां शक्ति है, अगर उन शिव में से इकार मतलब ई निकल जाए, तो वो शिव भी केवल शव होके रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि शक्ति वहां से निकल गई। इसलिए अपने जीवन में, हमारे जीवन में, चाहे सबके जीवन में शक्ति की हर एक जगह आवश्यकता होती है। तो इसलिए भगवान राम ने भी उन शक्ति का आवाहन किया, उन शक्ति का 9 दिन तक अनुष्ठान किया, 9 दिन तक भगवान राम ने भी पूजा करी। और 9 दिन में जो उन्होंने पूजा करी, उस पूजा से माता दुर्गा इतना प्रसन्न हुई
तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, आप चिंता मत कीजिए राम जी, आप जैसे हैं तो कहने को प्रात पर ब्रह्म, लेकिन उसके बाद भी इस समय वो क्या एक नर लीला कर रहे हैं, मतलब एक मनुष्य की भांति लीला को कर रहे हैं। अगर मनुष्य लीला कर रहे हैं तो भैया हंसेंगे भी, रोएंगे भी, भूख भी लगेगी, सोएंगे भी, सब कुछ करेंगे। तो इस प्रकार से वह देवी की उपासना करते हुए भी यह शिक्षा दे रहे हैं, मैं चाहे भगवान हूं लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ नर रूप लेकर आया हूं और मैंने भी देवी की उपासना करी है। इसलिए आप सब लोग भी अपने जीवन में अगर शक्ति चाहते हैं, आप भी अपने जीवन में शौर्य चाहते हैं, अपने जीवन में बल पराक्रम आ सब कुछ चाहते हैं, तो आप सब लोगों को भी देवी की उपासना अवश्य करनी करनी चाहिए। चाहिए। तो भगवान ने उसी चीज का परिचय देते हुए देवी की उपासना करी और देवी के आशीर्वाद स्वरूप ही भगवान ने दशहरे के दिन रावण का वध किया। तो ये इसकी संपूर्ण एक कथा है जो मैंने आपको थोड़े से शॉर्ट वे में समझा दी। अब आपका और कोई जो हाँ, प्रश्न हो पूछते रहें और उसका फिर जवाब हम देंगे जैसा भी होगा। जैसे महानवमी ही बोली जाती है, तो महानवमी में दुर्गा जी की भी और उपासना होती है, मतलब देवियों की भी उपासना होती है और राम जी जी की भी उपासना होती है साथ के साथ। जी जी सो वही जी चीज मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी कि है ना, दुर्गा का भी होता है इसमें, देवियों का भी होता है और साथ के साथ राम जी के यहाँ पे रामलीला में तो बहुत सारी चीज एक्टिविटीज होती रहती है, रामलीला में तो राम जी जी का पूरा होता है, तो इसी वजह से थोड़ा सा है ना कंफ्यूजन चल रहा था। मैंने सोचा कि आपसे भी विचार विमर्श। जो ये 10 दिन की लीला दिखाई जाती है ना, प्रतिपदा से लेकर और दशहरे तक 10 दिन की, ये राम जी ने अपने जीवन में जो भी लीला करी है जन्म से लेकर और रावण वध तक, और रावण वध के अगले दिन लीला में आपने दिखाया होगा क्योंकि हमने भी देखा है जहां भी रामलीला का मंचन होता है तो 10वें दिन तो रावण का वध किया जाता है, और एकादशी के दिन मतलब अगले ही दिन राम जी और भरत का मिलन भी दिखाया जाता है। ये अच्छा जो राम जी, जी की संपूर्ण, हाँ बिल्कुल, राम जी का और दशरथ, श्री भरत जी का, दशरथ नहीं माफ कीजिएगा, भरत जी का मिलन भी दिखाया जाता है और ऐसी लीला। अच्छा एक चीज, रामायण जो है, रामलीला है, ये सब लीला कहाँ की, अयोध्या की, लेकिन विश्व में जो सबसे ज्यादा रामलीला जो प्रसिद्ध है वो कहाँ की है आपको पता है, वो हमारी मथुरा की प्रसिद्ध है। विश्व में अच्छा सबसे प्रसिद्ध अगर कोई रामलीला है, रामलीला का मंचन है ना, तो वो हमारे मथुरा का प्रसिद्ध है, ना कि अयोध्या का। अब इसके पीछे का कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूं। जब राम जी रावण को जीत कर वापसी अयोध्या पे आ गए, राजा के पद पर आ गए, तो राम जी का भाई जो भी राजा होता है उसका काम होता है कि वो अपने इस राज्य का विस्तार करे बढ़िया से, तो काम होता है उसका ये। तो राम जी ने क्या किया, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए लक्ष्मण को, भरत को, शत्रुघ्न को भेजा, तुम जाओ और जो जो राजा हमारे साथ सम्मिलित होना चाहते हैं, दुर्गा सप्तशती में 8 देवियां जो पुरुष, अच्छा ठीक है, इनके क्वेश्चंस का बाद में रिप्लाई भी करते रहेंगे। तो राम जी ने अपने तीनों भाइयों को भेजा कि तुम जाओ और राज्य का विस्तार करो, जो तो हमारे साथ आना चाहते हैं उनको अपने साथ इंक्लूड करो, जो अच्छे मार्ग पर चलना चाहते हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी आसुरी शक्तियां हैं जो अधर्म को ही कर रही हैं, अगर वो अधर्म करती रहेंगी तो राम राज्य स्थापित कैसे होगा, इसलिए भगवान ने तीनों भाइयों को भेजा। तो उस समय मथुरा में एक असुर रहता था जिसका नाम था लवणासुर, तो उस असुर को आके शत्रुघ्न ने मारा है, जो राम जी के सबसे छोटे भाई है ना, शत्रुघ्न ने उस असुर को मारा है, और उस असुर को मारने के बाद शत्रुघ्न जी ने मथुरा पर राज्य किया है। ये कब की बात करें, त्रेता युग की, हाँ त्रेता युग की बात है, जब शत्रुघ्न जी ने इस मथुरा की भूमि पर राजा बने हैं, भगवान राम ने कहा मैं तुम्हारा अभिषेक करता हूं, तुम इस मथुरा में रहकर राज्य करो और राम राज्य की स्थापना करो। तो शत्रुघ्न जी ने कहा कि भैया मैं, आप मुझे अपने से दूर कर रहे हो, मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा, तो राम जी ने कहा तुम चिंता मत करो। तो राम जी ने अपने कुछ लोगों को भेज दिया, शत्रुघ्न जी पूरे दिन तो राज्य करते, पूरा राज्य का कारभार देखते, लेकिन रात्रि में क्या करते, रात्रि में क्या करते शत्रुघ्न जी, वो जितने लोग अयोध्या से आए थे ना, वो शत्रुघ्न जी को राम जी की लीला दिखाया करते,
क्यों? 14 वर्ष जो वनवास का समय था, तो शत्रुघ्न जी तो भरत जी के साथ रहे, लेकिन उन 14 वर्षों में राम जी कहाँ कहाँ गए, उन्होंने क्या क्या किया, किस किस को मारा, किस किस को तारा, कैसे कैसे रावण का वध किया, उन सब लीलाओं में शत्रुघ्न जी तो साथ में नहीं थे, है कि नहीं? तो उन सब लीलाओं को वह शत्रुघ्न जी को दिखाया करते। तो ये जो रामलीला की कला मंचन है ना, ये ऐसा नहीं है कि कोई भैया अभी 10 20 50 100 साल से चालू हुआ हो, कहते तो त्रेता युग से चला आ रहा है, और उसी रामलीला का मंचन आज भी मथुरा में किया जाता है। और कल आज जब जैसे रामलीला में रावण का वध होगा, तो कल मथुरा में सवारी निकलती है, और उस सवारी में जो राम जी का स्वरूप बना होगा बालक, उसको हाथी पर बिठाया जाता है, और जिस भी गली से वह सवारी निकलती है, उसके ऊपर फूलों की वर्षा की जाती है, क्योंकि उसको उस समय राम जी का स्वरूप माना जाता है। तो ये सुंदर जो लीला होती है, आज भी हमारे यहाँ मथुरा में दिखाई जाती है, क्योंकि शत्रुघ्न जी का उन राम जी से इतना प्रेम था, तो आज भी वह जो लीला है चली आ रही है। और भी आज तो भैया आप तो थोड़ा बहुत कभी कभी कहते हैं कि कम हो रहा है, कोई कहता है ज्यादा हो रहा है, रामायण का लीला का मंचन किया जाता है। दिल्ली में भी बहुत बड़ी एक वो लवकुश रामलीला कमेटी, रामलीला मैदान में आपने देखा होगा, जिसका लाइव जी प्रसारण जी भी होता है। जी तो हम सब लोगों को इन सब चीजों को देखना चाहिए, जिससे बहुत से लोगों का पढ़ने में मन नहीं है कि हम ग्रंथों को पढ़ेंगे, शास्त्र को पढ़ेंगे, तो हमें बहुत से लोग तो बोर हो जाते हैं, लेकिन जब उसको हम सामने अपने नाटक के रूप में, लीला के रूप में प्रस्तुत होती है, तो उस चीज को बहुत अच्छे से देखते हैं और उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसके लिए भैया जो रामानंद सागर की रामायण आई थी, वो कितनी, जिसको कहते हैं कि उसके अंदर सब कुछ था, कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो उन्होंने छोड़ी, और जो कैरेक्टर जैसे थे उनको वैसे ही लिया गया। फॉर एग्जाम्पल रावण ब्राह्मण था, तो उसमें जो कैरेक्टर लिया गया, जो जिसको रावण का रोल दिया गया, वो ब्राह्मण को लिया गया। राम जी क्षत्रिय थे, तो जिनको राम जी का रोल दिया गया वह क्षत्रिय थे। ऐसे प्रत्येक वर्ण के प्रत्येक व्यक्ति को उसमें लिया गया, किसी वर्ण के किसी व्यक्ति को छोड़ा नहीं गया। तो ये भी उस रामायण में बड़ी अद्भुत बात थी। और राम जी भी जब निकले हैं, तो राम जी की लीला हमें क्या सिखाती है? जीवन में त्याग सिखाती है। अब इस त्याग का सबसे बढ़िया उदाहरण मैं आपको समझाऊंगा, तो सब लोग बड़े ध्यान से प्रेम से सुनिएगा। कैसे? जी कि राज्य किसको मिलना था? राम जी को मिलना राम जी था, को लेकिन पिताजी की आज्ञा से उन्होंने उस राज्य को त्याग दिया। सबसे पहला त्याग क्या किया? राज्य को त्याग दिया। अच्छा, राम जी को ही तो वनवास हुआ था ना, लक्ष्मण जी को तो वनवास नहीं हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं, अगर मेरे भैया ने राज्य त्याग दिया, मैं तो इनका चाकर हूं, मैं तो इनकी सेवा करने वाला हूं, मैं कैसे यहाँ पे रह सकता हूं, मैं भी राज्य में नहीं रहूंगा। पहला त्याग राम जी ने किया, दूसरा त्याग किसने किया? लक्ष्मण जी ने किया, लक्ष्मण दोनों भैया चले गए। तीसरा त्याग सीता माता का, अरे राम जी को वनवास हुआ है ना, सीता जी को थोड़ी हुआ है। और दशरथ जी ने कहा भी, रामायण की चौपाइयां जब आप पढ़ेंगे, तो वहां सीता जी को कहा कि बेटी तू तो रह जा, तू तो इतनी सुकुमारी है, तू कैसे उस वन में नंगे पांव चलेगी, तू तो रह जा। राम जी बिल्कुल चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर तू रह जाएगी तो मेरे प्राण बच जाएंगे। लेकिन सीता जी भी चली गई, सीता जी भी ने भी त्याग किया। तीन क्या लोगों के त्याग हो गए, काउंटिंग करते जाइएगा। चौथा त्याग किसका? उन उर्मिला जी का। क्यों? सीता जी के साथ उनके पति तो हैं कम से कम राम जी, लेकिन लक्ष्मण जी साथ चले गए, तो उर्मिला का क्या करती भैया? उर्मिला अकेली रह गई। चौथा त्याग किसका? 14 वर्ष तक उर्मिला ने भी अपने पति की राह देखी, लक्ष्मण जी की राह देखी। चौथा त्याग किसका? उर्मिला का त्याग। और जब चले गए वनवास के लिए, जब भरत और शत्रुघ्न आए हैं, तो भरत जी को कहा उनकी माता कैकेयी ने, मैंने तेरे लिए तो राज्य मांगा, लेकिन वो कैसा भाई था, उनने कहा कि मेरे बड़े भैया के होते मैं राज्य करूं, मैं राज्य करूं, मेरे मुंह पे तो कालिक पोत देनी चाहिए। और बिल्कुल अनेक प्रकार के उल्हाने उन्होंने अपने आप को दिए हैं कि मेरा जन्म क्यों हो गया ऐसी माता के गर्भ से, जिसने मेरे बड़े भैया को निकाल दिया। उन्होंने कहा मेरे भैया राज्य नहीं करेंगे, तो मैं भी इस राज्य को हाथ नहीं लगाने वाला। और पास में ही नंदीग्राम में चले गए, और कैसे रह रहे हैं आप विश्वास करेंगे? उनको पता चला मेरे भैया राम जी जमीन पर शैया लगा के सोचते हैं। कैसा? कोई बेड तो था नहीं, कोई
कोई मखमली गद्दे तो थे नहीं, भैया वनवास कर रहे थे, तो उनको जब ये पता चला कि मेरे भैया तो जमीन पर सोते हैं, मैं तो उनका दास हूं, सेवक हूं, मैं जमीन पर भी नहीं सो सकता, कहते हैं जमीन से 4 हाथ गड्ढा खोदा और उस गड्ढे के अंदर सोया करते थे भरत जी। पांचवा त्याग किसका? श्री भरत जी का। छठा त्याग किसका? शत्रुघ्न जी का। शत्रुघ्न जी राज्य कर लेते, शत्रुघ्न जी ने भी मना कर दिया, नहीं जी मैं भी, जब मेरे तीन तीन बड़े भाई महाराज वनवास का वो जो दुख है उसको झेल रहे हैं और मैं राज्य करूं, मुझसे बड़ा अभागा कौन होगा। उन तीनों भाइयों ने त्याग दिया तो सबसे छोटा भाई भी क्या कहने लगा, नहीं भैया मैं आपकी सेवा में रहूंगा। भरत जी ने कहा एक काम तो करो, तुम सुबह शाम जाकर थोड़ा अयोध्या पे नजर तो मार के आ जाना, कहीं लोग ये ना कहे कि यहाँ का राजा चला गया तो प्रजा की देखभाल कौन करेगा। तो शत्रुघ्न जी जाते, लेकिन शत्रुघ्न जी ने उस समय अपने राजसी वस्त्रों को त्याग दिया, कहते मैं जरूर देखने जाऊंगा भैया, लेकिन ये जो राजसी वस्त्र है, मुकुट है, मुकुट है, आभूषण है, सब कुछ शत्रुघ्न जी ने त्याग दिया। और क्या सेवा करते? अपने भरत जी की सेवा करते, अयोध्या को देखा करते। छठा त्याग किसका हुआ? श्री शत्रुघ्न जी का। सातवां त्याग किसका हुआ? भैया मांडवी जी का, जो भरत जी की पत्नी थी। भरत जी की जो पत्नी थी मांडवी, उनका भी त्याग। 14 वर्ष तक अपने पति को नंदी ग्राम नहीं देखने गई, कैसा त्याग। आठवां त्याग श्रुत कीर्ति का, जो शत्रुघ्न जी की पत्नी है, सामने शत्रुघ्न जी को देख तो लेती हैं लेकिन उनसे बात नहीं कर पाती, उनके साथ बैठ के कुछ समय नहीं बिता पाती, अपने हाथ से उनको भोजन नहीं करा पाती, पति सामने हो फिर भी पत्नी अपनी बातों को रख नहीं पाती, कितना बड़ा त्याग होगा। तो इस रामायण कथा में संपूर्ण जिसका भी चरित्र है सब अपने त्याग को दर्शाता है कि किस प्रकार का जीवन में त्याग होना चाहिए। रामायण जो है वो त्याग की कथा है, भोग विलास की कथा नहीं है। जो लोग कहते हैं राम जी ने ये किया वो किया, राम जी के चरित्र को एक बार अच्छे से पढ़िए। राम जी ने जितना आदर ब्राह्मणों को दिया उतना ही आदर एक वन में रहने वाली उस वनवासी शबरी को भी दिया। राम जी हाँ ने उस अपने वशिष्ठ जी, अपने गुरुदेव के चरण भी स्पर्श करे तो महाराज जाकर उस वन में उस शबरी के झूठे बेरों को भी खाया। उस देखिए केवट से भी जाके कहा, क्या केवट एक काम कर तू अपनी नाव ला दे, मैं ताकि गंगा जी पार कर सकूं। ऑर्डर नहीं दे रहे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक राजा होने के बाद रिक्वेस्ट कर रहे हैं। निषाद राज के पास गए, निषाद राज ने कहा प्रभु अरे आप ही तो यहाँ के राजा हो, आप ही तो संपूर्ण क्षेत्र के राजा हो, मैं कह रहा हूं आप रहिए, मैं आपकी यहाँ बढ़िया सी कुटिया बना देता हूँ, सब कुछ कर देता हूँ। निषाद राज ने कहा मैं सब कुछ कर दूंगा प्रभु, आप एक बारी आइए तो सही। तो भगवान ने कहा नहीं, मैं इस समय किसी भी राज्य का कोई भी स्वामी बनने का अधिकारी नहीं हूं क्योंकि मुझे वनवास मिला है, और केवल अच्छा एक रात्रि निषाद राज के यहाँ रहे हैं, और वो भी कोई भैया तखत पे पलंग पे नहीं सोए। उस निषाद राज ने एक कुटिया बना दी और उसमें नीचे मारा तृण बिछा दिए, उस तृण के ऊपर राम जी ने विश्राम किया है। महाराज कैसा ये त्याग का जीवन, राम जी ने संपूर्ण पद पद पर त्याग सिखाया है कि किस प्रकार जीवन में त्याग करना चाहिए। जो लोग राम जी के ऊपर उंगली उठाते हैं, आक्षेप करते हैं अनेक प्रकार के, तो उन आक्षेप को भगवान राम ने बताया कि भैया पहले एक बार तुम थोड़ा पढ़ लो, उसके बाद बिल्कुल तुम आक्षेप कर देना, ठीक है, लेकिन पहले पढ़ो तो सही कि राम जी ने अपने जीवन में क्या क्या किया है। ऐसा त्याग न भूतो न भविष्यति, आज के समय में क्या कोई ऐसा भाई होगा कि अपने छोटे भाई को कह देगा ले तू सब कुछ ले जा, मैं तेरे लिए छोड़ देता हूं। आजकल आज तो तो भैया भाई परिवार ही भाई जा को रहे मार हैं देते हैं, बिल्कुल आपस में लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, भाई भाई का गला काट देता है केवल कुछ पैसों के लिए, थोड़ी सी जमीन के लिए। और उस समय ना थोड़े पैसे जमीन की बात नहीं थी, संपूर्ण अयोध्या नगरी की बात थी, जो सप्तपुरियों में सबसे श्रेष्ठ अयोध्या नगरी थी, जहां पर कहते हैं कि भैया मणियों के तो खंबे लगे हुए थे, सोने चांदी की तो खजाने में गिनती नहीं थी कि कितना था, संपूर्ण एक छत्र राज्य की बात थी। उस राज्य को चारों भाइयों ने धूल की तरह त्याग दिया, क्यों? केवल एक अपने पिताजी की बात को रखने के लिए। तो रामायण हमें क्या जीने की कला सिखाती है कि जीवन में कैसा त्याग होना चाहिए, कैसी भक्ति होनी चाहिए। भरत जी से हम भक्ति सीखें कि अपने भैया राम के प्रति कैसी भक्ति करी, खड़ाऊ लेकर गए कि भैया एक काम करो आप इस खड़ाऊ को पहनिए,
अपने सर पे मुकुट रखिए और आप यही राजा बन जाइए, आप चल के तो राज्य कीजिए, और जो पिताजी ने 14 वर्ष का वनवास का है ना, वो आपका छोटा भाई भरत भोग लेगा, लेकिन आप राज्य करिए। राम जी करने का, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता। उस समय राम जी ने वो चरण पादुकाएं ही दे दी वापसी, तो भरत जी ने क्या किया, उन चरण पादुकाओं को राज सिंहासन पे रख दिया कि आज के बाद 14 वर्ष तक ये चरण पादुकाएं राज करेंगी। क्यों? ये मेरे राम जी की चरण पादुकाएं हैं, मैं इस चरण पादुका के नीचे बैठूंगा लेकिन गद्दी पे कभी बैठने वाला नहीं हूं। तो ये त्याग दिखाया, राम जी जिससे भी मिले अपनी मित्रता को निभाया। आजकल लोग मित्रता निभाना भी नहीं लोगों को आता कि मित्रता कैसी निभाई जाती है। ठीक है, वो कहते हैं ना, आपतकाल परखिए चारी, जो आपातकाल होता है ना उसमें चार लोगों को परखना चाहिए। ये गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि मित्र धर्म अरु नारी, हमें एक पहला शब्द याद नहीं आ रहा कि मित्र को, धर्म को और नारी को, इन चारों, एक वस्तु और चारों चीज को आपातकाल में परखना चाहिए कि किस प्रकार जब हमारे ऊपर संकट आ रहा है तो ये हमारी किस प्रकार से सहायता कर रहे हैं। तो भगवान ने अपनी मित्रता को निभाया, सुग्रीव से मित्रता कर ली, तो चिंता मत कर, तुझे तेरी खोई हुई पत्नी भी दिलाऊंगा, तुझे तेरा राज्य भी दिलाऊंगा। तो अब उनकी खोई हुई पत्नी भी दिलाई, उनको उसके भाई बाली को मारकर उसका वध करके और राज्य भी दिलाया, और उसके बाद सुग्रीव ने भी सहायता करी और अपने सब वानर सेना को इकट्ठा करके, क्योंकि अयोध्या से तो सेना बुला नहीं सकते थे क्योंकि राजा नहीं थे, तो उन्होंने उन समस्त वनवासियों को ही अपना सैनिक बना लिया, अपनी सेना के रूप में लाकर खड़ा कर दिया। राम जी से हमें सीखना चाहिए कि किस प्रकार से व्यक्ति को जोड़ा जाता है। जब अयोध्या से निकले थे तो केवल श्री सीता जी और लक्ष्मण थे साथ में, लेकिन जब अयोध्या में वापिस आए हैं ना 14 वर्ष के बाद, तो उन श्री राम जी के साथ उन लंका का या नया राजा विभीषण भी है, सुग्रीव भी है, हनुमान भी है, जामवंत भी है, महाराज जितने भी बड़े बड़े नल नील अंगद सब कुछ है साथ में। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी क्षमता है, एक ऐसी लीडरशिप है जो अपने साथ सब व्यक्ति को लेकर चल सकता है। लेकिन अपने साथ व्यक्ति सबको कब लेकर चल सकता है कि वो जो सब में समानता रखे, ये नहीं बिल्कुल कि भाई ये मेरी कैटेगरी का है तो मैं इसको तो अपने साथ रख लूं, ये मेरे साथ वाला नहीं है तो इसको मैं धक्का दे दूं, भगा दूं, ये सब काम करूं। इसलिए भगवान ने ये बताया कि आपके अंदर एक अच्छी लीडरशिप होनी चाहिए, और उस लीडरशिप से आप संपूर्ण जगत को भी अपने वश में कर सकते कर हो। सकते हो। और एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं इसका, बड़ा छोटा सा। जब विभीषण जी आ गए और आकर उन्होंने राम जी के साथ हाथ मिला लिया, हाथ मिला लिया, तो उसके बाद रावण ने पीछे से अपने दूत भेजे, जाओ देखो भाई विभीषण गया है, राम ने उसके साथ क्या किया, उसको मारा, बिठाया, प्रेम किया, क्या किया, कुछ बताओ तो सही। तो पीछे से जो दूत आए ना, तो वो दूत पता थे हम राक्षस के रूप में जाएंगे, तो क्या होगा कि जो वो होगा, क्या कहते हैं, जितने वानर हैं हमें पकड़ लेंगे। उन्होंने वेश बदला और सब वानरों के रूप में इकट्ठे हो गए वहीं पर जितने भी थे। उस समय क्या हुआ कि जैसे ही विभीषण पहुंचे और राम जी ने कहा, और राम जी ने समुद्र का जल लेकर विभीषण जी को तिलक कर दिया और उन्हें लंका का राज्य दे दिया। तो विभीषण जी ने कहा, प्रभु मैंने तो आपसे कुछ मांगा नहीं और आपने मुझे लंका का राज्य दे दिया। तो राम जी कहते हैं कि मेरा जो दर्शन है वो अमोघ है, जो भी मेरा एक बार दर्शन कर लेता है मैं उसे कुछ ना कुछ देता हूं, और कहीं ना बिल्कुल कहीं तुम्हारे मन में ज्यादा नहीं तो लेकिन सूक्ष्म रूप से एक कामना जरूर है, वो कामना पॉजिटिव वे में है। क्या पॉजिटिव वे में कामना है? अगर लंका का राजा मैं होता तो मैं बिना लड़ाई झगड़ा किए सीता जी को वापस दे देता, मेरे मन में ये कामना थी। तो भगवान ने पूछा तो नहीं, या विभीषण ने आके डिमांड करी हो कि भगवान मेरे को तिलक कर दो, मुझे लंका का राजा बना दो, कुछ भी नहीं कहा, लेकिन भगवान ने आते ही उनको लंका का राजा बना घोषित कर दिया। दिया, लंका का राजा बना दिया। अब ये बात जब उन राक्षसों ने देखी जो वानर का रूप लेकर आए, और उनकी कुछ ऐसे हाव भाव हरकत थी, वानरों ने पकड़ लिया भाई ये तो राक्षस हैं। अब जैसे ही उनको मारने लगे, मारने के लिए दौड़े, तो वो कहते हैं कि जो हमार हर नासा काना तो है कौशला धीस के आना, मतलब अगर तुमने हमारे नाक और कान काटे ना तो तुम्हें राम जी की सौगंध।
राक्षस हैं, लेकिन सौगंध किसकी दे रहे हैं? रावण की नहीं, राम जी की राम जी सौगंध को। दे रहे हैं। क्यों? उन राक्षसों को पता है अगर हमने यहाँ पर अभी रावण की सौगंध दी ना तो हमें जान से मार देंगे, लेकिन अगर हमने इनको क्या कहते हैं राम जी की सौगंध दी तो भैया हमें पता है हमारे प्राण बच जाएंगे। तो बच राक्षस भी जानते हैं कि राम जी ही हमें बचाने वाले हैं, रावण का नाम लेता तो तुरंत अभी मारे जाते। तो उस समय कहा कि जाओ, लक्ष्मण जी ने कहा जा रावण को संदेश दे देना कि भैया या तो प्रेम से मान जा नहीं तो तेरा कालम निश्चित आ गया। उन राक्षसों ने जाके संदेश दिया और राक्षसों ने कहा प्रभु छोड़ दो, सीता जी को वापस भेज दो। उन्होंने उनको भी लात मार के भगा दिया। तो वो जितने राक्षस थे ना वो भी राम जी के पास आ गए, कहते हैं बाप ही हमें अपनी शरण में ले लो। क्योंकि दुष्ट मिले व्यक्ति का भैया कोई भी भरोसा नहीं है कि वो कब आपके विपरीत हो जाए, है ना। सांप को कितना मर्जी आप दूध पिला दो, वो डंक मारना, वो अपना वो जहर छोड़ना छोड़ता नहीं उल्टा है, है ना भैया। कि कितना मर्जी दूध पिला दो, मलाई खिला दो, घी खिला दो, लेकिन वो जब भी आपको मारेगा तो वो अपना जहर ही छोड़ेगा, उसमें दूध आदि छोड़ने वाला नहीं है। तो आप सभी लोग आज भैया श्री राम का पूजन अवश्य करें। और रावण जो है भैया, वो कहते हैं ना उसके 10 सिर थे, तो बहुत सी जगह तो यह आता है जो रावण है उसके 10ों सिरों में 4 वेद और 6 शास्त्र विराजमान थे, इतना विद्वान था वो। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि रावण बहुत पढ़ा लिखा था, विद्वान था। लेकिन विद्वान होने में और भक्त होने में ना जमीन आसमान का फर्क है। व्यक्ति विद्वान तो हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं वो भक्त हो, है ना। कि लेकिन जो भक्त होता है ना, भगवान की उसके ऊपर ऐसी कृपा हो जाती है, वो अपने आप ही विद्वान हो जाता है। मैं आपको दोनों एग्जाम्पल देता हूँ। रावण विद्वान बहुत अच्छा था, उसको 6 शास्त्र 6 शास्त्र 4 वेद उपनिषद सब कुछ कंठस्थ थे। वो 10ों मुख से जब उच्चारण किया करता तो बड़े बड़े महर्षि भी महाराज कांपने लग जाते कि कैसी कैसी श्रुतियों का गान कर रहा है, कैसे कैसे वेद के मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। महाराज जब उसने भगवान शंकर को मनाने के लिए अपने 10 सिरों की आहुति दे दी, उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया। रावण भी शिव जी के भक्त थे, जिन्होंने कहा है भैया शिव जी के भक्त नहीं थे, मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ, वह रावण जो है उपासक था। उसने शिव जी के लिए स्तोत्रों की रचना या उनके लिए अपने सिरों का अर्पण इसलिए किया क्योंकि उन्हें उनसे कुछ चाहिए था। चाहिए था। भक्त को कभी भी भगवान से कुछ चाहिए नहीं होता। मैं भी आपको दोनों के एग्जाम्पल देकर क्लियर कर दूंगा। रावण ने तपस्या क्यों करी? इसलिए नहीं कि वो भक्त था, रावण ने तपस्या इसलिए की क्योंकि उसको सब कुछ चाहिए था, ठीक है। पहली बात, रावण ने अपने 10 सिरों को काटा इसलिए नहीं कि वो शिव जी से कह रहा था शिव जी मुझे अपनी भक्ति दे दो, इसलिए काटा ताकि मैं त्रैलोक्य विजयी हो जाऊं, मुझे अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र मुझे विद्याएं प्राप्त हो जाएं, इसलिए करा। और वो शिव जी की पूजा भी भैया 2 प्रकार की होती है, एक सात्विक पूजा और एक तामसी पूजा। वो शिव जी की पूजा इसलिए नहीं करता था कि मेरे को उनके चरणों की भक्ति मिल जाए, मैं जाके उनकी चरण की सेवा करूं, मैं अपने शिव जी की आराधना में लगूं, बिल्कुल भी नहीं भैया। वो केवल इसलिए पूजा किया करता था कि मेरी जितनी इच्छाएं हैं वो किससे पूरी होगी, शिव जी से पूरी होगी, जी केवल इसलिए वो करता था, इसके अलावा और कोई कारण नहीं था। था ब्राह्मण, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ब्राह्मण होने के बाद भी जो रावण की माता थी केकसी, वो असुर थी, राक्षसी थी, इसलिए रावण के अंदर उनके जितने संस्कार थे सब कूट कूट के भरे हुए थे। कहते ना भैया, बच्चों के अंदर अपनी माता के संस्कार सबसे पहले आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भैया जब भी बालक गर्भ में हो, बालक या बालिका माता के गर्भ में हो, उस समय माता को अच्छी अच्छी चीज देखनी चाहिए, अच्छी अच्छी चीज सुननी चाहिए, अच्छी अच्छी चीजें व्यवहार में लानी चाहिए, पहला कारण। दूसरा, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, आप सब लोगों ने वीर अभिमन्यु का नाम सबने सुना होगा। पांडवों जो 5 पांडव में थे उसमें से अर्जुन के पुत्र हैं जो उनकी पत्नी सुभद्रा के गर्भ से हुए थे। तो एक बार अर्जुन चक्रव्यूह में किस प्रकार से प्रवेश किया जाए, क्योंकि 5ों पांडवों में केवल एक वीर अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना आता था, निकलना नहीं आता था। क्यों घुसना आता था? क्योंकि जब अभिमन्यु गर्भ में थे सुभद्रा जी के, महाराज जी भक्त भी तो आज 2 कारणों से होती है, लालच और एक डर।
हाँ भैया, इसका भी मैं आपको अभी जवाब दे दूंगा। आपका नाम क्या है भैया जी? सुनील जी, मैं आपको इस बात का भी बस जवाब दे दूंगा। पहले ये कथा मैं पूरी कर लूँ छोटी सी। तो अभिमन्यु जी भी जब गर्भ में थे तो सुभद्रा को अर्जुन जी क्या सिखा रहे थे कि किस प्रकार से चक्रव्यूह में प्रवेश किया जाता है, और पांचों पांडवों में केवल अर्जुन ही ऐसे थे जिनको चक्रव्यूह का भेदन करना आता था। तो जब तक तो उसमें घुसने की, चक्रव्यूह में घुसने की पद्धति बताते रहे, उस समय तो सुभद्रा दी जागृत थी, मतलब जाग रही थी। जब माता जागृत रहती है तो उसके गर्भ में जो बालक है वो भी वो भी जागृत जागृत रहता है। है। और जैसे ही सुभद्रा जी भैया अंदर चक्रव्यूह में पहुंचे और कैसे उससे लड़के बाहर निकलना है, ये जितने में यह बातें बता रहे थे, सुभद्रा जी सो गई। और सुभद्रा जी के सोते ही जो गर्भ का बालक था वह भी सो गया था। इसलिए अभिमन्यु ने कहा कि मैं अंदर चक्रव्यूह में जाना तो जानता हूं कि किस प्रकार से जाया जाएगा, लेकिन निकलना नहीं जानता। तो इसलिए जो माता संस्कार देती है वही बालक के मन में सदैव रहते हैं। तो रावण को जो उनकी माता थी केकसी, उनने ऐसे कुछ दुर्भाव के संस्कार दिए बचपन में ही, जो रावण की जिए, जो कुबेर जी की माता थी इडविडा, वो कौन थी, इन्हीं की दूसरी, जो रावण के पिताजी थे उनकी दो पत्नियां थी, एक का नाम था इडविडा और दूसरी कौन, केकसी। तो इडविडा के पुत्र कौन थे, कुबेर जी। तो कुबेर जी को क्या ये, उन्होंने, कुबेर जी ने भी भगवान शिव की आराधना करी। शिव पुराण में पूरी कथा आती है। और भगवान शिव से की जो उन्होंने आराधना करी ना, कुछ कमाने के लिए नहीं करी, उन्होंने भक्ति पूर्ण भाव से प्रार्थना करी। और जब शिवजी प्रकट हुए तो शिवजी ने कहा तुम मुझसे क्या चाहते हो, उन्होंने कहा प्रभु अपने चरणों की मुझे भक्ति दे दो, ये ऐसा वर्णन आया है। तो भगवान उनके ऊपर ऐसा रीझ गए, तो भगवान ने खुद कहा मैं तुम्हें अपनी भक्ति तो देता हूं, लेकिन तुमने मेरी भक्ति करी है ना, और तुमने मुझसे कुछ डिमांड नहीं रखती, तो मैं तुम्हें अपनी तरफ से धन का अध्यक्ष बना देता हूं, मतलब धना अध्यक्ष बना देता हूं। लक्ष्मी माता धन की देवी है, लेकिन धन के अध्यक्ष कौन है, कुबेर जी हैं। कुबेर ये भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें बनाया है, कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने डिमांड करी। और भगवान शिव ने ही पुष्पक विमान जो है ना, ये कुबेर को एज अ गिफ्ट दिया कि मैं तेरी तपस्या से, भक्ति से प्रसन्न हूं, तू ले जा। अब जब यह बात केकसी को पता चली कि भाई मेरी सौत के पुत्र को तो विमान मिल गया, अब ये क्या मेरे को, भाई अब उसको जलन होने लगी, तब उनने रावण से कही तू भी तपस्या कर शिव जी की, और ऐसा वरदान मांग कि तू त्रैलोक में सबसे ज्यादा विजय हो जाए। और विजय होने के बाद सबसे पहला उसने काम क्या किया, कुबेर जी से युद्ध करके कुबेर का वो पुष्पक विमान छीन लिया, लिया। मांगा नहीं, तपस्या करके नहीं लिया, छीन लिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि माता ने क्या संस्कार दिए, थे तो ब्राह्मण, रावण भी ब्राह्मण था, चाहता तो भगवान की भक्ति को अच्छे से करके भी तो भगवान को पा सकता था ना। भगवान ने कहा है ना कि जो भी मेरी भक्ति करता है मैं उसकी 21 पीढ़ियों को ताड़ देता हूं, सात जो चली गई, सात जो आएंगी, सात जो पत्नी की हैं, 21 पीढ़ियों को ताड़ देता हूं। तो भैया वैर करने से ही तारा जाता क्या, नहीं, वो अच्छे से क्या कहते हैं कि भक्ति करता तब भी तो भगवान उसके इसको तार देते कि नहीं तार देते। तो बिल्कुल इसलिए बहुत से लोग जो कहते हैं कि भक्त था, तो भैया भक्त नहीं था, उपासक बड़ा अच्छा था रावण। रावण जैसी उपासना किसी ने नहीं करी। अगर आप उपासना करना सीखना चाहते हो कि उपासना में मेरे दृढ़ता कैसी आए, तो उतनी चीज आप केवल पर्टिकुलर उतनी चीज आप रावण से जरूर सीख सकते हो कि इसने दृढ़ निश्चय हो गया, चाहे मैं मर जाऊं, मेरे 10 सिर कट के अलग हो जाएं, लेकिन मैं भगवान को कैसे ना कैसे अपनी डिमांड पूरी करवा के रहूंगा। ये चीज जरूर आप भगवान से, उससे, रावण से सीख सकते हो। लेकिन आप कहो कि रावण बहुत बड़ा भक्त था और ऐसा था, तो भैया जी प्रणाम, रावण कोई भक्त नहीं था, उसकी भक्ति की कोई भी चर्चा कहीं पर प्राप्त नहीं होती। और भी बड़ी सुंदर बातें हैं। अभी किसी ने पूछा कि भक्ति कुछ डिमांड से करते हैं और बहुत से लोग जो भक्ति होती है वो डर से करते हैं। भैया भक्ति डर का विषय है ही नहीं, जहां डर है वहां भक्ति हो ही नहीं सकती। ध्रुव जी ने भक्ति करी, प्रहलाद जी ने भक्ति करी, डर से भक्ति नहीं करी, भगवान से प्रेम उनके हृदय में आया तो उस प्रेम से भक्ति करी। मैं आपको एक बालक का एग्जाम्पल दूं, प्रहलाद जी का, श्रीमद् भागवत में भी चरित्र आया है, विष्णु पुराण में भी चरित्र आया है, स्कंद पुराण में भी उनका चरित्र आया है।
तो श्री प्रहलाद जी ने जो भक्ति करी वो डर से नहीं करी, वो थे तो असुर के बालक, हिरण्यकश्यपु के बालक थे। हिरण्यकश्यपु ने संपूर्ण राज्य में कह दिया, जो हरि का, जो विष्णु का नाम लेगा उसको मार दो, उसको मेरे राज्य से भगा दो। जितने यज्ञ हो रहे थे सब बंद करवा दिए, साधु संतों को मार मार के भगा दिया, कितनों के प्राण ले लिए। लेकिन उसके बाद भी जब वह भक्ति का बीज उसके घर में ही उत्पन्न हो गया, उसके लिए भी बड़े प्रयास किए गए मारने के, तुम ये करते हैं, ऐसा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो वो भक्ति का बीज, और प्रहलाद जी के चरित्र में आप ये पढ़ेंगे कि उनके ऊपर कितना मर्जी कष्ट आया, हिरण्यकश्यपु ने पहाड़ से फिकवा दिया, जल में डलवा दिया, हाथी से कुचलवाना चाहा, एक ऐसे अंधेरे कुएं में डाल दिया जहां केवल सांप थे। इतना सब करने के बाद भी प्रहलाद जी ने अपने संपूर्ण चरित्र में रक्षमाम, पाहिमाम, त्राहिमाम कहीं भी इस शब्द का यूज नहीं किया कि हे भगवान मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो, कहीं भी इस शब्द का इस्तेमाल किया ही नहीं है। वो केवल जब भी उनके ऊपर कोई भी कष्ट आता या नहीं आता, बस वो श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण इसी मंत्र का जप करते रहते, और क्या होता भैया, वो कष्ट अपने आप ही चला जाता। जब पिता ने अनेक प्रयास कर लिए और प्रयास करने के बाद भी प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ, तो पिताजी ने पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? तो उनने कहा, पिताजी आप क्वेश्चन ही गलत पूछ रहे हो, आप मुझसे ये पूछो मेरा भगवान कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं आप मेरी दृष्टि से देखो ना, मेरे को तो चारों तरफ दिखता है। अच्छा कहाँ दिख रहा है? कहते तो में मो में खड़ग खम्भ में, मुझे तो आप में भी दिख रहा है, मुझ में भी दिख रहा है, आपके हाथ में जो खड़ग है ना इसमें भी दिख रहा है, और ये जो सामने खंभा है ना ये तो जड़ है, मुझे तो इसमें भी दिख रहा है। अच्छा इस खंभे में तेरा भगवान है? कहते लेकिन मुझे तो नहीं दिखता। कहते मेरी नजर से देखो ना, भक्त का, भक्त की जो दृष्टि होती है वो अलग ही होती है। कहते मेरी नजर से देखो, ना दिखे तो बताना। और जैसे ही कहते अच्छा इसमें तेरा भगवान है, कहते हाँ, और जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने अपने मुष्टिका का प्रहार किया खम्भे पे, उस खम्भे को विदीर्ण करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और आके हिरण्यकश्यपु को मारा, और उसके बाद भैया प्रहलाद जी को अपनी गोद में लिया। और जैसे गौ माता अपने बछड़े को चाटती है ना, जब कभी आपने देखा होगा बछड़े का तुरंत जन्म हुआ तो गौ माता अपनी जिह्वा से चाट चाट के बछड़े को साफ कर देती है, और वो अभी का ब्याया हुआ बछड़ा भैया 10-15 मिनट में तो उछल के कूदना चालू कर देता है। तो ऐसे ही श्री प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान चाट रहे हैं, चाट रहे हैं मतलब उनको पुचकार रहे हैं, जैसे बालक को माता कोई अपना चुम्बन करती है ना, पुचकार रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? कि मुझे आने में कहीं देर तो नहीं हो गई है, मुझे आने में इस वो चला मुझे आने में कहीं देर तो नहीं हो गई है, इस बात को कहते हैं। तो भगवान कहते हैं, तो बालक कहते हैं, नहीं नहीं प्रभु, आपको कैसे आने में देर हो सकती है, एक आप ही तो ऐसे हो जो टाइम पे आते हो, बाकी आज तक कोई टाइम पे नहीं आया। जब उस द्रौपदी की चीर खिंचने वाली थी, अंतिम छोर रह गया था, तब आप आ गए। जब वो हाथी संपूर्ण डूब गया था, केवल मारा थोड़ी सी जो उसकी सूंड का एक कोना था वो रह गया था, आप तब आ गए, आपने तो आके उसको भी, उसके भी प्राण बचाए। तो एक केवल मात्र आप ही हो जो टाइम से आते हो, बाकी आज तक कोई टाइम से आया कहाँ है। तो भगवान ने सुंदर ये बात को प्रहलाद अपने भक्त ने कहा। तो भक्त कैसा होता है? जो भगवान से कभी कोई डिमांड नहीं करता, जो डिमांड नहीं करता उसको डर कैसा? अभी जिन्होंने, सुनील जी ने क्वेश्चन पूछा था कि कोई इच्छा से करता है, अगर कोई किसी इच्छा से भी भगवान की भक्ति करता है तो उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि भगवान सब कुछ देने वाले हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछूंगा और आप उस वस्तु का जवाब दीजिएगा। सपोज एक मॉल है बहुत बड़ा, और उस मॉल में 50 दुकानें हैं, ठीक है? उस मॉल में ग्रोसरी आइटम भी मिलते हैं, वेजिटेबल भी मिलते हैं, फ्रूट भी मिलते हैं, क्लोथ्स भी मिल रहे हैं, शूज भी मिल रहे हैं, उसमें मोटर गाड़ी की भी शॉप है, बाइक की भी शॉप है, सब कुछ की शॉप है। वो ऐसा इतना बड़ा मॉल है, उसका एक मालिक है, हाथी वाला स्टोरी मेरे शहर का ही है। अच्छा भैया आप कौन से शहर से हैं थोड़ा बताइए, क्योंकि स्टोरी तो हमारे भारत की है, आपके शहर से है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप उस स्टोरी से बहुत अच्छी सीख भी ले सकते हैं कि भगवान जरूर अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आते हैं। तो इन्होंने कहा, ये वर्मा आदित्य जी ने, तो
जैसे मैं अपना एग्जाम्पल को पूरा करूं कि इतना बड़ा मॉल है, उसमें सब कुछ मिलता है, ऐसा कह लीजिए कि भैया एक सुई से लेकर हवाई जहाज तक उस जगह मिलता है। अब मुझे कोई कह दे कि भैया तुम्हारे पास 10 मिनट हैं और मॉल की लंबाई कितनी है, भैया 5 किलोमीटर की लंबाई है, आपके पास 10 मिनट हैं, आप इस 10 मिनट में क्या ले सकते हो, ले और चले जाओ बाहर। मैं क्या देखूंगा भाई, मॉल में चारों तरफ नजर घुमाऊंगा, सबसे महंगी चीज कौन सी है, हल्की फुल्की चीज तो कोई भी ले लेगा यार, महंगी चीज कौन सी है वो लूं, और हो सकता है 10 मिनट में चक्कर ही मारता रह जाऊं, मुझे यही समझना है सबसे महंगा क्या है, और मैं खाली हाथ बाहर आ जाऊं, हो सकता है। और बहुत कुछ अगर मैं लेकर आया 10 मिनट में, मैंने कहा यार एक कार ले लेता हूँ, एक बाइक ले लेता हूँ, यहां से 10 साल का राशन ले लेता हूँ, फ्रूट ले लेता हूँ, वेजिटेबल, 50 जोड़ी कपड़े ले लेता हूँ, लेकिन 10 मिनट बाद जब मैं बाहर आया ना, मन में रह जाएगा यार 10 मिनट और मिले होते ना मैं ये भी ले लेता। आता है ना मन में हमारे कि 10 मिनट और मिले होते ना मैं ये चीज ले लेता। लेकिन उसी महाराज मॉल के अंदर, उस मॉल का मालिक सामने बैठा हो गद्दी पे, है ना, उस मॉल का मालिक आपके सामने गद्दी पे बैठा हो और आपसे बोला गया हो भैया 10 मिनट है, जो इच्छा है वो ले लो, और एक व्यक्ति क्या करता है, एक व्यक्ति जाकर उस मालिक के ऊपर हाथ रख देता है और क्या कहता है, ये मॉल को कर दो साइड, आज से तुम मेरे हो, जो मैं तुम्हें कहूंगा तुम मेरी बात को सुनना और तुम मेरी उस बात को पूरा करना। अब मुझे आप ये बताइए, वो संपूर्ण मॉल किसका है, उस उसी का मालिक का। अब उस मालिक को जब हमने पकड़ लिया, उस मालिक के साथ हम बंध गए, तो उस मालिक के होने के नाते मैंने उस मालिक से कहा कि जी मुझे एरोप्लेन चाहिए, अरे तू तो मेरा है ले जा, मुझे गाड़ी चाहिए तू तो मेरा है ले जा, मुझे घर चाहिए अच्छा ये भी तो मेरा है ले जा। तो उस मालिक को पकड़ने से क्या हुआ, सारी की सारी चीजें किसकी हो गई, मेरी हो गई, और 10 मिनट में सारी चीजें मेरी नहीं हुई थी, वो 5 किलोमीटर के मॉल में मैं 500 मीटर भी नहीं घूम पाया, लेकिन उस मालिक को पकड़ने से 5 के 5 किलोमीटर में जितनी चीजें थी सबकी सब मेरी हो गई। इसलिए जब हम भगवान से कुछ डिमांड करते हैं ना, तो हम मतलब अपने आप को ही मतलब एक संकुचित कर देते हैं, लेकिन जब डिमांड नहीं करते ना, जब कह देते हैं प्रभु मेरे लिए जो अच्छा हो, मैं आपको वो अपने मैं निवेदित कर सरेंडर देता हूं, जो मेरे लिए अच्छा हो मैं आज से अपने आप को आपको निवेदित करता हूं, सरेंडर हो जाता हूं, आपके शरणागत हो जाता हूं, अब आपको जो अच्छा लगे आप मेरे लिए वो कर दीजिए, तो उस समय आपके लिए जो जो अच्छा होगा भगवान वो चीजें कर देंगे। तो देंगे। इसलिए भक्ति जो करनी चाहिए, पहली बात तो जीवन में कुछ डिमांड ही ना हो, और डर से कभी भी भक्ति, भैया डर और भक्ति का कोई लेना देना ही नहीं है। व्यक्ति डरता कब है, जब गलत करता है। गलत अगर काम आप गलत नहीं कर रहे, और भगवान ने आप कहीं पर ये नहीं आया कि आप भगवान को जब तक आधे घंटे बैठ के माला नहीं जपोगे, आप बैठ कर क्या कहते हैं उनको फूल नहीं चढ़ाओगे, फल नहीं चढ़ाओगे, जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी, ऐसा भैया कहीं नहीं है। जितनी कृपा आपके घर में बैठे हुए भगवान आप पे करेंगे, उतनी भैया कृपा 500 किलोमीटर दूर जो भगवान बैठे हैं वो भी वही कृपा करेंगे। हम तो क्या करते हैं, घर में बैठे हुए ठाकुर जी से नहीं मांगेंगे, नहीं, अरे हम वहां पर ओ वाले बालाजी जाएंगे, वहां मेरी मुरादें पूरी होगी, और कंडीशन रख देंगे माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। आता है ना भैया, वो भजन गाती है खूब सारी कि नवमी के दिन वो क्या करेंगी, कन्याओं को भोजन लगाएंगी, अरे भैया तुम कंडीशन रख रहे हो क्या कि तू मेरी मुराद पूरी करेगी देन मैं हलवा बांटूंगी, है, और अगर मेरी मुराद पूरी नहीं कर रहे होगी तो मैं सूखी चिरौंजी भी नहीं दूंगी, ये कौन सी तुम कंडीशन किस बात की रख रहे हो। प्रेम में भक्ति में कंडीशन नहीं होती है, अरे आपने पूरा किया तो भी ठीक, नहीं पूरा किया तो भी नहीं ठीक। एक बच्चा अपने माता पिता से डिमांड करता है कि पिताजी इस मेरे बर्थडे पर मुझे एक साइकिल लाकर दे देना, अच्छा अगर आपने साइकिल लाकर दे दी तो तुम तो तब तो तुम मेरे बाप हो, और साइकिल लाके नहीं दी तुम मेरे बाप नहीं हो, ये कौन सी कंडीशन है, ये कोई कंडीशन तो नहीं है भाई। उस पिता की सामर्थ्य होगी तो क्या वो अपने बच्चे को साइकिल लाके नहीं देगा, अवश्य लाके देगा, या उसको ऐसा लगता होगा कि मेरा जो बच्चा है अभी इस लायक नहीं है कि वो साइकिल चला सकता है, तो वो कहेगा कि बेटा तेरा नेक्स्ट जन्मदिन आएगा मैं पक्का उस जन्मदिन पे तुझे लाकर दे दूंगा, लेकिन ये कंडीशन कि तुम आज साइकिल नहीं लेकर आया तो तुम मेरे बाप नहीं, ये कंडीशन नहीं है भक्ति में, ठीक है, वो तुम साइकिल लाए चाहे ना लाए वो कहीं भी होगा तुम्हारा बाप ही कहलाएगा, ठीक है, कहलाएगा तुम्हारे कहने से नहीं कि मैं आज से तुझे अपना बाप नहीं मानता, मत मान भाई,
लेकिन सबको तो पता है ना कि बाप कौन है। इसीलिए भगवान से कभी भी किसी चीज कंडीशनल पूजा नहीं होनी चाहिए। कंडीशन किसी भी चीज में जब आ जाती है ना, कंडीशन अप्लाई, तो समझ लेना भैया उस कंडीशन में जैसे ही नाम आया कंडीशन, तो भैया आपके साथ कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन जुड़ जाएंगी। भगवान भी तो कह सकते हैं मैं तेरी बात जब ही पूरा करूंगा जब तू ये काम करेगा, फिर आप क्या करोगे? मैं तेरे चलो लिए घर कल को कोठी बना दूंगा 100 गज की, लेकिन मेरी भी कंडीशन है तू यहां से पैदल हिमालय की यात्रा कर। तब क्या करोगे? करने जाओगे यात्रा हिमालय की? क्यों? पता ही नहीं वापस आ पाओ कि ना आ पाओ। इसलिए कंडीशन कभी नहीं। भगवान जो मेरे लिए अच्छा हो, जो मेरे लिए बेस्ट हो, वो मेरे लिए उस काम को कर दो। छोटा सा बच्चा होता है ना, आग की लपट जलती हुई देखता है तो उसको लगता है कोई बड़ी अच्छी चीज है, आकर्षण हो रहा है, वो आग को पकड़ने के लिए भागता है। लेकिन माँ क्या करती है? तुरंत पकड़ के उसको खींच के ले आती है। बच्चा रोता है, उसके बाद भी माँ उसे जबरदस्ती बांध के पकड़ के बैठ जाती है। बच्चा तो सोचता है मैं उस आग को पकड़ लूं, क्योंकि उसके लिए तो वो खिलौना है, वो चीज क्या हमारा है कि उसको बड़ा आकर्षण पैदा कर रही है। लेकिन माँ जानती है कि जैसे ही ये आग में हाथ लगाएगा इसका हाथ जल जाएगा, इसको कष्ट होगा, इसलिए माँ उसको पकड़ लेती है। इसलिए अगर आपकी कभी बहुत ऐसी डिमांड है जो पूरी नहीं हो रही, तो समझ लो भगवान की कुछ ऐसी कृपा है जो वो नहीं होने दे रहे हैं। हो सकता है वो चीज आपके लिए अच्छी ना हो, तो इस बात को ध्यान में रखकर भक्ति करें। अब आप लोगों का कोई और क्वेश्चन हो तो उसको पूछिए, और देन उसके बाद फिर इस लाइव को फिर हम सब लोग विराम करेंगे। एक बार मैं भी देख लेती हूँ। किसी ने बताया था वो जगह वैशाली बिहार है, तो बहुत अच्छी बात है भैया जहां पर यह लीला हुई है। और आप उस चरित्र से भी बहुत अच्छी बातें सीख सकते हैं कि भगवान ने उस गज की रक्षा करने के लिए अपने उस हरि अवतार को लिया और गरुण तक को त्याग दिया। उन्हें जो गरुण की स्पीड थी ना, वो भी स्लो लगी कि गरुण जितनी देर में वहां पर पहुंचेगा, हो ना हो कहीं मेरे भक्त के प्राण ना चले जाएं। तो यह सुंदर लीला, आप कुंडली बनाते हैं सर? ब्यूटी प्लान? हाँ जी बनाते हैं, लेकिन उसके लिए पर्सनल मैसेज करेगा, यहाँ पर नहीं बनाते हैं। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपको करवानी है, जैसे घर में पूजा होती है, कोई भी रिचुअल्स होते हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं। इनका चैनल नेम यहाँ पे मेंशन है, आप इनको फॉलो भी कर सकते हैं। सो आई होप क्वेश्चंस तो मेरे को नहीं लग श्री रहे हैं राम श्री जो कृष्ण जी के उन्होंने अपनी पूजा के लिए नहीं कहा, उन्होंने बस यही कहा है कि स्वयं को जानो। बिलिश कनेक्शन जी, आपने कहा श्री राम श्री कृष्ण सभी के गुरु थे, उन्होंने अपनी पूजा के लिए नहीं कहा, उन्होंने बस यही कहा है कि स्वयं को जानो। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, उन्होंने कहीं भी अपनी पूजा के लिए नहीं कहा। लेकिन हम जो पूजा करते हैं ना, वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। ठीक है, मेरी अंतर आत्मा क्या चाहती है, मैं किससे क्या सीखना चाहता हूं, तो मैं कब किससे कोई चीज सीखना चाहूंगा कि जब मुझे ऐसा लगेगा कि उस व्यक्ति के उसके चरित्र में ऐसी बातें हैं कि जिसमें से कुछ भी बातें मैं अपने अगर जीवन में लेकर आ गया तो मेरा कल्याण हो जाएगा। जी यहाँ के लोग बोलते हैं पता ही नहीं चला कि कौन जीता इसलिए इसका नाम हो गया, कौन हारा, अच्छा कौन हारा घाट। हाँ ठीक है, मैं आपको ये थोड़ा सा स्टोरी जो आपने बोला ना कौन हारा घाट, मैं इसके बारे में आपको ही बता दूंगा। तो जिन्होंने भी ऊपर प्रश्न किया कि गुरु थे, तो सबसे पहली बात, हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कृष्णम वंदे जगत गुरुम। क्यों? जिसके जीवन में कोई गुरु नहीं है वो भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु मान ले। गुरु क्यों कहा गया? मैं उसका कारण बताता हूं। जीवन में किसी को प्रेम सीखना हो तो किससे सीखा जाए? कृष्ण से सीखा जाए कि जीवन में प्रेम कैसा किया जाता है, कैसे उसको निभाया जाता है। किसी को राजनीति सीखनी हो तो कृष्ण से सीखो कि कृष्ण ने राजनीति कैसी करी और उन पांचों पांडव तो एज इट इज रह गए, 100 की 100 कौरव मारे गए। ये राजनीति किससे सीखनी है? कूटनीति किसी से अगर सीखनी है तो श्री कृष्ण से सीखो। किस प्रकार से सब चीज को मैनेज किया जाता है, जो हमारे
राम जी की यात्रा है वो महाराज महलों से चालू होती है और वन को जाती है, लेकिन हमारे कृष्ण की यात्रा कैसी है, उल्टी है, बिल्कुल अपोजिट है। वो वन से, वृंदावन से अपनी यात्रा को चालू करते हैं और जाके द्वारिका में समुद्र के बीच में सोने का महल खड़ा कर देते हैं, और उसके बाद भी राजा नहीं बनते हैं, राजा उग्रसेन जी को, वासुदेव जी को ही बनाते हैं। संपूर्ण सत्ता के अधिपति होने के बाद भी अपने आप को भगवान ने कहीं राजा नहीं घोषित किया, मथुरा में जाकर कंस को मार दिया, लेकिन उसके बाद भी नहीं कहा कि मैं यहाँ का राजा हूं। उग्रसेन जी को, अग्रसेन जी को बिठा दिया, जी आप ही राजा, आप ही राज्य करो। तो भगवान ने ये जगह जगह सिखाया कि तुम मेरी करनी मत देखो कि मैंने क्या क्या किया, तुम मेरी कथनी सुनो, तुम मेरे द्वारा जो कही गई भगवत गीता है उसका आश्रय लो। इसीलिए कहा गया जो व्यक्ति जीवन में किसी को गुरु नहीं मानता वो कृष्ण को अपना गुरु मान ले। और हमारे यहाँ ऐसा कहा गया है, जीवन में दो चीजें हमेशा आपके पास होनी चाहिए, एक गुरु और दूसरा ग्रंथ। महाराज जब एक गुरु आपके रहेंगे जिनसे आपको सीख मिलती रहे, और एक ग्रंथ जिसको पढ़कर आप अपने जीवन में उन चीजों को अप्लाई कर सके, तो भैया ये बात पक्की जान लो, आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी दुर्घटना होने वाली नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, एक छोटा सा बालक अभी चलना सीख रहा है, उसको चलना आता नहीं है, माँ बाप कोशिश करते हैं बेटा उठो उठो, बेटा घुटने के बल कोशिश करता है चलने के लेकिन उठ नहीं पाता, महाराज वो गिर जाता है। लेकिन क्या होता है, एक तरफ से उसकी माता उसका हाथ पकड़ लेती है, एक तरफ से उसके पिता उसका हाथ पकड़ लेते हैं। जो बालक अभी घुटने के बल भी नहीं चल पा रहा था, वह धीरे 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 अपने कदमों को बढ़ाना प्रारंभ कर देता है, और जैसे ही माता पिता को लगता है कि कोई गड्ढा आया ये बालक गिर ना जाए, तो माता पिता दोनों तरफ से उसके हाथ को उठाकर गड्ढे को पार करा देते हैं। ऐसे ही हम जितने भी संसार में लोग हैं ना भैया, छोटे बालक के समान है, अबोध हैं, मूर्ख हैं, अनपढ़ हैं, गवार हैं, कुछ भी समझ लो, हमें दुनियादारी की समझ नहीं है। लेकिन जब हमारा एक हाथ हमारे गुरुदेव पकड़ लेते हैं, हमारा एक हाथ एक ग्रंथ पकड़ लेता है, और जब ये गुरु और ग्रंथ के साथ हम चलना प्रारंभ करते हैं, तो हमारे जीवन में भी बड़ी कठिनाइयां आती हैं, मुश्किल आते हैं, बड़े बड़े गड्ढे आते हैं, तो उस समय हमें चिंता नहीं होना, कोई हताश नहीं होना, निराश नहीं होना। जब भी हमारे जीवन में ऐसा कुछ आएगा तो चिंता मत करना, वो जो गुरु है ना जिसने तुम्हारा सीधा हाथ पकड़ा हुआ है, एक जो गुरु जिसने ग्रंथ है जिसने तुम्हारा दूसरा हाथ पकड़ा है, वो तुम्हारे को इस कठिनाइयों से ऐसे उठा के ले जाएंगे कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब गड्ढा आया और कब चला गया। तो इसलिए अपने जीवन में एक गुरु और एक ग्रंथ को हमेशा रखना चाहिए। आत्मा स्वयं गुरु है और मन शिष्य के समान है, अच्छी बात है। लेकिन भैया ये केवल जो आप बिलिस कनेक्शन जी, मैं आपका नाम तो नहीं जान रहा, जो आप बातें लिख रहे हैं ना, ये बातें आप जिस लेवल की लिख रहे हैं, पहले आप खुद उस लेवल तक पहुंचिए, देन तब ये बातें करने में अच्छा लगेगा और मजा आएगा, ठीक है। आत्मा स्वयं गुरु है, मन शिष्य के समान है, मन को बिल्कुल शिष्य के समान है, आत्मा गुरु है क्या। लेकिन आपने कभी अपनी आत्मा से बात करी, अपने अपने खुद मन को अपना शिष्य माना, नहीं माना होगा। तो इसलिए केवल किताबी ज्ञान और उसको फॉलो करना, दोनों में ना जमीन आसमान का अंतर होता है। किसी पब्लिकेशन हाउस में चले जाओ, वो व्यक्ति किताब का नाम तो बता देता है, लेकिन किताब के अंदर क्या क्या बातें लिखी है ना, वो भी उसको पता नहीं होती। वो बात किसको पता होती है, जो बालक उसको बैठ के खोल के पढ़ता है। इसलिए कि बातें करना बड़ी आसान है कि भैया अपनी ज्ञान इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को अपने वश में करके रखो, तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, मन को भगवान से जोड़ लो, आत्मा का ये रिश्ता है, ये सब बातें करने में बड़ी इजी है, कोई भी कर सकता है। रिक्शे वाला भी आजकल ज्ञान दे देगा, क्या क्या धन माया के चक्कर में पड़े हो, लेकिन जैसे ही तुम्हें रिक्शे से उतारेगा, ला 50 रुपए दे भैया सवारी के, ठीक है। हर कोई ज्ञान की बातें कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसको अप्लाई आपने कितना किया, बात तो ये है ना। अगर आपने अपनी आत्मा को गुरु बना लिया, अपने मन को शिष्य बना लिया है, मैं अगर आपसे कहूं आपने ये बना लिया है, तो भैया आपको तो इंस्टाग्राम पे होना ही नहीं चाहिए था, आप तो स्वयं गुरु जब बन गए हैं, अपने आप को आत्म साधिए ना। जो व्यक्ति आत्म साधना कर रहा है, अंतर मन में जा चुका है, अपनी अंतर की बातें कर रहा है, उसको तो इस संसार से कोई लेना देना ही नहीं है फिर तो। इसलिए केवल किताबी ज्ञाने या लाइन कहीं से लिख ली, ये सब भैया अच्छी बातें हैं, ज्ञान लेना चाहिए, सबसे ज्ञान लेना चाहिए, लेकिन वो ज्ञान दूसरों को तब देना चाहिए जब आप खुद के ऊपर अप्लाई करते हों, ठीक है। मैंने यहाँ जितनी भी बातें अभी कही हैं, जितनी भी बातें,
मैं लगभग 10 वर्ष से इन सब चीजों का अध्ययन कर रहा हूँ, गुरुजनों के चरणों में बैठ के पढ़ा है, सीखा है, समझा है, व्यवहार में लाने की कोशिश करी है। उसके बाद जब उसका जो कंक्लूजन निकला है ना, निष्कर्ष निकला है, वो मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ। तो इसलिए मैंने आपसे कहा, केवल ऐसा नहीं कि कोई चीज हमने बोल दी और वो हो गया, नहीं भैया, थोड़ा सा उससे आगे बढ़िए कि आत्मा को आपने गुरु मान लिया तो इस बाहरी संसार से भैया मुक्त होके अपनी अंतरात्मा से बात कीजिए। अंदर जो बैठा है ना, वही बाहर है। जो आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो अंदर बैठा है ना, वही बाहर है। वही हम बात। लोग बाहर ढूंढते हैं लेकिन अंदर अपने अंतर की यात्रा नहीं करते हैं। तो जो लोग अंतर की यात्रा करते हैं ना, तो वो बाहर के चक्रों में पड़ते ही नहीं है। और जो बाहर के चक्रों में पड़ा हुआ, इसका मतलब उसने अपनी अंतर की यात्रा करी नहीं है। सही तो बात। दोनों चीजों में फर्क है भैया। तो केवल बोलना नहीं है, या तो उसको अप्लाई भी करना है। और आपने भैया ने किसी ने कौन हारा घाट बताया, कौन हारा घाट का भैया ये मतलब हुआ कि जो ग्राह था उसने उसने गज के चरण पकड़ लिए, भगवान आए, भगवान ने चक्र से वध किसका किया, ग्राह का यानी मगरमच्छ का वध कर दिया, और हाथी को गज को बचा लिया। लेकिन जब ये लोग वैकुंठ पहुंचे ना, जब गज को लेकर भगवान वैकुंठ पहुंचे, तो वहां क्या देखते हैं, जो ग्राह है ना मगरमच्छ, वो पहले ही महाराज उसकी मुक्ति हो गई और वहां खड़ा हुआ है। तो गज ने पूछा, भैया ठाकुर जी बुलाया तो मैंने आपको था, मगरमच्छ ने थोड़ी, इस ग्राह ने थोड़ी आपको बुलाया, लेकिन मेरे से पहले ये कैसे आपके वैकुंठ में पहुंच गया। तो भगवान ने कहा, ये इसलिए वैकुंठ में पहले पहुंच गया क्योंकि इसने मेरे भक्त के चरण पकड़ लिए थे। जो भक्त के चरण पकड़ लेता है ना, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, भगवान उसका भी कल्याण कर देते हैं। इसलिए यहाँ कौन जीता और कौन हारा ये बात पता ही नहीं चली, इसलिए उसका जगह का नाम हो गया क्या कहते हैं, कौन हारा घाट। कौन हारा घाट, यह नाम हो गया। जिम्मी कपूर जी, मैरी मी लिखा है आद्या जी से, क्यों आपकी शादी नहीं हो रही, रिश्ते नहीं आ रहे, या आपको कोई लड़की पसंद नहीं कर रही है, कुंडली नहीं मिल रही है, आप में कोई कमी है जो आपसे कोई शादी ब्याह नहीं कर रहा है, जो आप यहाँ पे प्रपोजल रख रहे हो, इस लायक होते कि आपसे कोई शादी ब्याह करे तो आपको यहाँ पर प्रपोजल रखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। या तो आप में कोई कमी है, पढ़े लिखे नहीं हो, अनपढ़ हो, या कुछ काम धाम के लायक नहीं हो, घर वाले आपको कहीं प्रस्तुत नहीं करके कर सकते जाके कि मेरा बेटा काम लायक है, इसको थोड़ा इससे कोई शादी कर लो। अब इतने निकार निकम्मे मत बन जाओ कि ऐसी जगह पर प्रपोजल देना पड़े, ठीक है जी। हाँ, और कोई शुक्रिया। बात, मुझे नहीं लगता और किसी के क्वेश्चंस हैं, और थैंक यू सो सो मच इतना सब कुछ बताने के लिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें तो मुझे भी नहीं पता थी, काफ़ी चीज़ें मुझे भी जान के जी बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसे ही हम लाइव करते रहेंगे, और काफ़ी समय हो गया है तो आपको भी जाना जी होगा। मगर चलिए, आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारी लाइव में आकर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे और क्लियर किया अपने आप की भी थॉट्स और मेरे भी। तो थैंक यू सो मच यशोदानंदन जी, और आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनका कांटेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। थैंक अच्छा, ये आप इनकी फेवरेटीज हैं, यू सो रोडीज मच। ऑडिशन से। थैंक यू और अगर आपको कांटेक्ट करना है तो इनको डीएम भी कर सकते हैं, तो अपने बारे में थोड़ा सा चलिए और सही। डिटेल में तो थोड़ा सा बता दीजिएगा, और मेरा नाम नंबर अगर फोन ये नंबर चेंज एक्सचेंज करना चाहते हैं तो डीएम में कर बता दीजिए। मेरा नाम यशोदानंदन है और मैं श्रीधाम वृंदावन में रहता हूँ, जो आप सब लोगों ने मथुरा वृंदावन का नाम सुना होगा, जो हमारे भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है, जहाँ उन्होंने अनेक प्रकार की लीला करी। और यहाँ पे रह के जो यहाँ के सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, श्रीमद् भगवद गीता है, और जितनी भी चीजें हैं जो हमारे सनातन से रिलेट करती हैं, उन सबको अध्ययन किया है। और ऐसा नहीं कि अभी अध्ययन खत्म हो गया है, क्योंकि सनातन धर्म के इतने ग्रंथ हैं कि कोई व्यक्ति अगर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक भी पढ़ेगा तो सनातन धर्म इतना विशाल है, जिसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि आप सब लोग जानते हो कि हमारे ऊपर ना जाने कितने वर्ष मुगलों ने शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया, लेकिन उसके बाद भी जो सनातन की जड़ें हैं वो आज तक संभली हुई हैं। क्योंकि सनातन धर्म कोई भैया ये नहीं कि 200, 200, 500, 1000, 2000 साल पहले आया हुआ कोई
धर्म है, ये ऐसा है सनातन जिसका कभी अंत नहीं है और ना जिसके किसी को आदि का पता है। तो ऐसे धर्म में अगर हम सब लोगों का जन्म हुआ है तो आपको अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए। और जितने भी व्यक्ति इस बात को सुन रहे हैं, भैया किसी के कहने में मत आओ कि भगवान कृष्ण ने ये कर दिया, राम ने ये कर दिया, दुर्गा जी ने ये कर दिया। नहीं भैया, विधर्मियों का काम है आपके धर्म के ऊपर अनेक प्रकार के आक्षेप लगाना। तो आप सब लोग क्या करें, अपने ग्रंथों को पढ़ें, सुने, और सुने किससे, जो उनको तरीके से कहना जानता हो, जो उनके सारांश को आपको समझा सके, ठीक है। और कोशिश करें खुद से पढ़ें, ग्रंथों को ले आए, गीता प्रेस गोरखपुर के माध्यम से सनातन धर्म के सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं और बहुत ही सस्ते रेट में उपलब्ध हैं। तो अपने घर में, और बहुत से लोग पूछते हैं कि हम शुरुआत किससे करें, तो सबसे बढ़िया ग्रंथ श्री रामचरितमानस का है, जो हिंदी में ही है। आप उसको पढ़ सकते हैं और पढ़कर अपने जीवन में उन चीजों को उतार सकते हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन, सनातन धर्म से जुड़िए, और हमने भी इसी की पढ़ाई करी है। तो जो भी आप लोगों के मन में अभी भी इन फ्यूचर भी कोई क्वेश्चंस आते हैं कि सनातन धर्म से रिलेटेड हुए कुछ भी ऐसा कुछ आता है, तो आप सभी लोगों से निवेदन कि आप हमसे पूछ सकते हैं, और हमारे इस जो हमारा यशोदा नंदन है चैनल जो प्रोफाइल है, इससे आप सब लोग मुझसे भी जुड़ सकते हैं। और जो डिस्क्रिप्शन में आद्या जी बाद में वह नंबर डाल देंगी। और ये जो एक व्यक्ति है जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, कहने को तो बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं मेरे पास, लेकिन ऐसे कुछ नाकारा लड़के भी हैं इस समाज में जिनको अपने घर में अपनी माँ बहन नहीं दिखती हैं। तो उनको क्या लगता है कि संसार की जितनी स्त्रियां हैं वो सब भोग्य वस्तु हैं। मैं एक बार इस चीज पे कह दूं, उसके बाद ताकि विराम कर देंगे, ठीक है। क्या नाम है इनका, डी रमित 36, ये स्पेशल आपको बोला जा रहा है। डी रमित, ये जो चश्मा लगाकर रेड टी शर्ट आप पहने हुए हो, आप जैसे बेहुदा इंसान बहुत से लोग होते हैं, लेकिन आप उनमें भी उच्च क्वालिटी के हो। रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, अभी अभी नौ दुर्गा की पूजा गई है, जिसमें हमने नौ देवियों की पूजा करी है, करिए कि नहीं करी सबने, और स्त्रियों को देवी रूप में पूजा गया है। और हमारे यहाँ पर मनुस्मृति में भी कहा गया है, यत्र नारिस्त पूजन्त्रे रमणते तत्र देवता, जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। या तो आपके घर में माँ बहन नहीं है, या माँ बहन है तो वो आपके लिए भोग्य वस्तु है, ठीक है। अगर आपके घर में आपके लिए जो माँ बहन है वो ऐसी भोग्य वस्तु है ना, तो आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। और ना पानी हो तो हम दे देंगे चुल्लू भर पानी, क्योंकि आप जैसे लोग चश्मा लगा लो, खूब अच्छे से कपड़े पहन लो, लेकिन आपकी जो औकात होती है, हमारे यहाँ जो ब्रजभाषा में कहा जाता है कि जो नाली में मुंह मारने वाला सुअर होता है ना, बिल्कुल वही वाली आप लोगों की औकात होती है। तो इसलिए थोड़ा आप कहाँ पर हो, कैसी लैंग्वेज का, ये आपके संस्कार बताते हैं कि हो सकता है आपको आपके माता पिताजी ने ऐसे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा हो जहाँ पे ऐसे ऐसे शब्द आपको सिखाए जाते हो कि किसी लड़की को देखो तो उसको ऐसे ऐसे कमेंट करो, है ना। तो ऐसा हो सकता है आपके साथ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए जो भी है, थोड़ा तमीज में रहकर कि आप किससे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कल को आपकी माँ बहन को भी घर में आके कोई ऐसी बातें कह सकता है, तो थोड़ी सी शर्म लाइए। जो हो सकता है आपके माँ बाप ने आपके सहित बेच दी हो, तो थोड़ा सा अगर तमीज हो जीवन में तो अच्छी बात है, और नहीं हो तो फिर वही बात, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ऐसे कैसे लोग आ जाते हैं जिनको मतलब एक कौड़ी की अकल नहीं है, और अपने आप को इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे करके हम इतने बड़े पढ़े लिखे हो गए हैं, प्रोफाइल चला रहे हैं, मतलब एक पैसे की औकात नहीं ऐसे लोगों की लगती है। पता नहीं माँ बाप ने क्यों पैदा किया, इससे बढ़िया घर में गधा पाल लिया होता तो ज्यादा अच्छा होता। आप कहिए, फिर फायदा नहीं विराम है करते कुछ हैं। कहने का, फायदा नहीं है कुछ कहने का, क्योंकि ऐसे लोग बहुत हैं। अब किस किस का मुंह चुकराएंगे, मैं नहीं यही नहीं कह जो सकता सामने हूँ। आएगा उसको तो कह ही सकते हैं ना, बिल्कुल, जो सामने आएगा तो उसको कहने में दिक्कत नहीं जी, है, हो आपने सकता इतना है, कह दिया, मैं ठीक और है। ज्यादा भी कह देती तो फिर वही बात है। थैंक यू सो सो मच, और यहीं पे विराम करते हैं। और जी आपने तो अपने डिटेल्स ठीक है, बताई दिए, तो जिनको भी संपर्क करना जी होगा ठीक, मुझसे वो कर। वो डीएम में आद्या जी नंबर डाल देंगी, मैं जो भी आपको संपर्क करना चाहे। जी हाँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूंगी। थैंक यू सो सो मच। जय जय श्री श्री राधे। राधे।
राधे जय राधे श्री टू एवरीवन, राम, राधे राम। हैप्पी दशहरा अगेन।